पेन भैया का इतना अच्छा मुझे हिसाब करा। इनके पास प्योर तुलसी माला है उसका भी बताया है, जो प्योर नहीं है उसका भी बताया, तो इतना अच्छा लगा जो मैंने प्योर। और अब शाम हो गई है और हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर घूमने। और ये देखो कितनी अच्छी जगह है यहाँ पे ऊपर। वृंदावन धाम, तो हम है वृंदावन की गलियों में और जा रहे हैं प्रेम मंदिर। थक गए लेकिन बहुत ही, और बोलू बच्चा भी देखो और जी वो कुर्ते भी आए यहाँ पे। यहाँ से पैदल आएंगे बराबर, रात हो जाएगी आते हुए ना। और अब हम पहुँच गए हैं शाम को 6:15 के करीब, 6:30 हो रहे थे तो हम पहुँच गए यहाँ पे प्रेम मंदिर। और बहुत मुश्किल से अंदर आए, इतनी भीड़ थी बाहर। फिर लेडीज़ की लाइन अलग होती है लेफ्ट में और जेंट्स की राइट में। फिर वो गेट सा होता है उसे पार करके जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा चेकिंग सी हो जाती है, बैग वैग वैसे मना करते हैं जाने को। तो और फिर यहाँ अंदर आ गए। और फिर यहाँ देखो पीछे शेषनाग के साथ मेरे बेटा में फ़ोटो खिंचा रहे। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ, और ये भी ज़्यादा पास से मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि काफ़ी भीड़ आपको दिख रही होगी, क्यों तो इसलिए देखो मोर मोर और सारी सखियाँ बैठी हैं यहाँ पे, मतलब जो अष्ट सखी हैं ऐसे। और यहाँ पे फिर हम अंदर चल दिए, घूम रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम गए थोड़ा दिन था, लेकिन ये था कि दिन छिपने वाला था, तो इसलिए मैंने कहा थोड़े से जितने दर्शन हो पाए उतने कर लो। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ गैया इतनी बड़ी, और इतने सुंदर फूल, हिरन, पीछे हिरन भी इतने बड़े बड़े ऐसे लग रहे, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जितना कैप्चर कर पाए उतना करा, ज़्यादा भीड़ भाड़ शोर भी बहुत था तो इसलिए। और ये देखो पूरा प्रेम मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। अभी लाइटिंग जलेगी तो लाइटिंग में फिर मंदिर नहीं देख पाते, तो यहाँ पे रसिया को मैं सच बताऊँ तो मैं मना कर रही थी सबको कि मैं आप मेरी गोदी में ही अपनी फ़ोटो ले लो भाई, मैं उधर मुँह कर लेती हूँ। लेकिन ये बुढ़ी आंटी थी तो बहुत ज़्यादा फिर मैंने बोल कहने लगी नहीं मेरे को गोदी में दे दे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी तो कोई नहीं है तो आप ले लो, क्योंकि फिर बच्चा भी परेशान हो जाता है कभी किसी गोदी में। तो यहाँ पर मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इतना, मतलब खुला खुला और बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये देखो पीछे रासलीला हो रही है, पीछे रासलीला की झांकियाँ हैं जो आपको सारे दिखा रही हूँ प्रेम मंदिर में शाम को। तो वैसे मैं अपने लाला को घुमा रही हूँ उनके साथ ही, बहुत अच्छा लग रहा था, सब फ़ोटो ले रहे, वीडियो ले रहे। और बहुत तो मैंने ऐड भी नहीं करा इसमें, मतलब बहुत लोग रोक रहे थे। तो यहाँ पे जब श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन का रथ चला रहे थे तो ये वो वाली झांकी है, तो बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ थी जितनी कैप्चर कर पाई मैंने, करने की कोशिश करी है। फुहारे रात को जैसे फाउंटेन में चले थे। यहाँ पे देखो दूर से दिखा रही हूँ, ये देखो लाइटिंग जल गई, कितना सुंदर लग रहा है प्रेम मंदिर। और भीड़ तो आप देख ही रहोगे, मतलब सबकी चप्पलें इधर उधर। हमने तो पूरे पर जितने भी हमने मंदिर घूमे हैं, भांडेर वल्लो कहीं भी हम गए हैं, हम चप्पल अपने मतलब आश्रम पर ही उतार के गए हैं, हम नंगे पैर ही हमने सब ने मतलब परिक्रमा करी है या दर्शन करे हैं, हमने चप्पल नहीं पहनी बिल्कुल भी, कहाँ कहाँ उतारते रहते हैं इसलिए। तो इसलिए हम यहाँ पे देखो गोवर्धन बना हुआ है तो बहुत अच्छा था, यहाँ ऊपर चढ़ गई थी एक सीढ़ी पे बड़ी मुश्किल से, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी आपको और पास से दिखाऊंगी। और देखो पानी भी बह रहा है, झरना था गोवर्धन पे, कान्हा जी ने पर्वत उठा रखा है, तो हर झांकी प्रेम मंदिर में दिखा रखी जिसकी शोभा देखते ही बनती है। और यही देखने सब आते हैं, बहुत मंदिर के अंदर इतनी भीड़ नहीं है जितनी मंदिर के बाहर भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि बाहर सारी झांकियाँ और ये जुगल जोड़ी सरकार का देखो कितने सुंदर झांकी है, मंदिर बना हुआ है उधर कोने पे कृपालु जी महाराज का। और वो ये देखिए इस तरह से झांकी में देखा, और सब ने घेर लिया कि फ़ोटो। मैंने कहा चलो आप कह रहे आप ही खिंचवा लो हमारे साथ, लाला की फ़ोटो खींचनी है, तो सब फ़ोटो खींच रहे हैं। और इतना अच्छा लग रहा था, रसिया को इतना प्यार मिल रहा था, और उसके बहाने हमें भी प्यार मिल रहा था, और कई जानने वाले भी मिल रहे थे कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो सब इतना प्यार देते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये रोड डेली परिक्रमा होती है जो मतलब कि झांकी टाइप निकलती है इनकी, तो ये परिक्रमा करते हैं, पता नहीं 108 करते हैं 11 करते हैं,
तो यहाँ बहुत हो रहा था, राधे राधे राधे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं देखो पिबल बाँ के भी हरिलाल जैसे बोल रही हूँ, और हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं और मंदिर के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा, देखो कितना खुला खुला, और बाहर इतना भीड़ है। हाँ ऊपर जो चढ़ रहे हैं ऊपर झांकियाँ देखने के लिए, वहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे घुटने बिल्कुल जवाब दे जाते हैं। और यहाँ पर भी मैं इतनी मुश्किल चल रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, बट मेरे बच्चे ऊपर चले गए थे, छोटा बेटा मेरे साथ ही था। और यहाँ मैं फ़ोटो ले रही हूँ, और यहाँ ये मेन मंदिर है अंदर का, राधा कृष्ण जी खड़े हैं बड़े से, ये देखिए ये रहा। तो यहाँ हम आ गए हैं बाहर, और ये फिर दोबारा फ़ोटो का शुरू हो गया शूट। जो भी मतलब भक्त देख रहे थे, बहुतों को तो मना भी कर, क्योंकि मैं रुक जा रही थी तो उस वक्त हम बहुत लेट हो रहे थे। और यहाँ झांकी भी मैं इतना नाच रही हूँ, इतना आनंद आ रहा था, वो ढोलक से बज रहे थे और राधे 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 बोल रहे थे, देखो सब झूम रहे हैं। तो बहुत वो ऐसा माहौल होता है कि आप अपने आप को बिल्कुल रोक ही नहीं पाओगे, चाहे आप कितना भी थक रहे हो ना, जब ऐसा माहौल बनता है ना श्री राधे रानी का नाम लेके, और फिर वो रोका ही नहीं जाता। और यहाँ फुहारे शुरू हो गए, फर्स्ट फुहारा हमारा निकल गया। उसमें क्या होता है, फुहारा जब ये फाउंटेन ऊपर चढ़ता है तो राधा कृष्ण की फुहारे में छवि बनती है बहुत सुंदर, बहुत बड़ी सी। उसके बाद कलरफुल फुहारे शुरू हो गए, तो मैं ज़्यादा देर तो हम नहीं रुके थे क्योंकि हमें ये हो रहा था कि चलते हैं, बहुत देर हो गई अब। तो ये देखिए, तो अभी यहाँ पे कलर देखो, अलग अलग कलर के यहाँ फुहारे, और कितना सुंदर लग रहा नज़ारा, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे साउंड बजता रहता साथ साथ में, तो और भी अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको सुना पा रही हूँ तो थोड़ा सा वॉइस ओवर करके आपको सबको बता रही हूँ कि शोर बहुत है पीछे। तो यहाँ पर ये मंदिर, यहाँ पर ये देखो कान्हा जी श्री जी को मनाते हुए चरणों में बैठे हुए हैं। तो ये पिक अधिकतर मुझे रीलों में देखने को मिलती है, इसमें सब यहाँ खड़े होकर रील बनाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मैं खुद ही यहाँ पे प्रेम मंदिर फर्स्ट टाइम आई हूँ लाइफ में, जब से ये बना मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, तो बहुत ही आनंद आ रहा था। और जिस चीज़ की कल्पना नहीं करी थी वहाँ वहाँ मुझे बिहारी जी ने बुला के घुमा दिया, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, सब जगह घुमाई। जो मेरा मन करता था, मुझे जाकर लगता था मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि इतना दूर भी है और मैं कहाँ रुकेंगे, और फिर मेरी तकलीफ़ भी है थोड़ी, तो इसलिए भी था। लेकिन बिहारी जी ने कहा नहीं, थे मन की इच्छा पूरी हो, तो मैं सब जगह घुमाई। अब इसके बाद आपको जो देखो यहाँ पर झूला कैसे ले रहे हैं, बहुत झूला सेवा हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी। प्लेट और रसिया बैठे बैठ गया खाना खाने के लिए, अब अलग जाती थी अपनी नीचे चुन्नी, और इनको पानी और खीरा वगैरह तो उन्होंने खिला दिया। बच्चे बैठे यहाँ पे बैठे खा रहे, बस अब हमारे आ रहे रोटी सब्जी नान खाएंगे, फूल खाएगा। तो वृंदावन की अभी रात है, यहाँ आप 8:30 होने वाले हैं, अपने स्कूल मिल सकते एक मंदिर में, यहाँ पे 2-2.5 घंटे लग गए भाई, बहुत भीड़, ऐसा लग रहा है मेला चल रहा हूँ ना। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी है, कूलर वाली जगह दिलाई है, और देखो ठाकुर जी वहाँ पर पीछे अच्छा भी लग रहा है पूरा। खाना पीना खा के हम पैदल पैदल चल दिए, और हमने पूरी मार्केट घूमी 1 घंटे तक हम घूमते गए, रात के बज गए थे, मतलब कि कितने 9:30-10:15 हो गए थे घूमते घूमते हमें। और यहाँ मिली मुझे असली मतलब कि तुलसी माला की शॉप, जो आप सुनिए वो वाली ली है, और जो बिना प्योर की है वो भी बताया। तो ये है वो भैया, और आपको यहाँ मिलेंगे श्री राम वृंदावन पधारने के लिए। थैंक यू भैया, आपने बहुत जो सच बोला ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसी को पागल बना के ये वो नहीं करा। और यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, आप लीजिए श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास चौक, और यहाँ से तो यहाँ से एंटर करोगे, यहाँ कॉर्नर पे भैया बैठे हैं, इनकी यहाँ पे शॉप है तुलसी की। तो यहाँ से आप तुलसी की प्योर माला ले सकते हो, ठीक है जी। जगह बता दो भैया, ये इस्कॉन पुलिस चौकी परिक्रमा, हाँ इस्कॉन पुलिस चौकी परिक्रमा कोने पे बैठे भैया। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग प्रेम मंदिर का अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना, और आगे भांडीरवन वंशी भट्ट की आप जरूर से वीडियो देखें।